हेलो दोस्तों, आज हम जिस एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी खूबसूरती के दम पर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। लेकिन इसके साथ ही अपने फैंस के साथ धोखा ना हो, इसलिए उन्होंने 2 करोड़ रुपए की फेयर एंड लवली जैसे ब्रांड के प्रपोजल को भी ठुकरा दिया था। और उनकी इस कदम को उठाने के बाद लोगों ने इनकी खूब वाहवाही की। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साउथ सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस साई पल्लवी के बारे में, जो कि एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनके पास MBBS की डिग्री भी है। लेकिन किस तरह से मेडिकल की पढ़ाई करने वाली साई पल्लवी एक एक्टिंग का रास्ता अपना लिया, आज इसकी पूरी कहानी को हम जानेंगे। शुरुआत होती है 9 मई 1992 ईस्वी से, जब साई पल्लवी का जन्म तमिलनाडु के कोटागिरी में हुआ। उनके पिता का नाम सेनाथा मारा कानन है, जो कि सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर है, और उनकी माता का नाम राधा कन्नन है। दोस्तों, इन सभी के अलावा साई पल्लवी की एक छोटी बहन है जिनका नाम पूजा कन्नन है, और वह भी साउथ सिनेमा में काम कर रही है। साई पल्लवी की पढ़ाई लिखाई की बात करें तो एविला कॉन्वेंट स्कूल कोयम्बटूर से पूरी की है, और बताया जाता है कि साई पल्लवी शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी, जिस वजह से उन्होंने आगे चलकर तबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS से पढ़ाई की। लेकिन उन्होंने अपने आप को डॉक्टर स्टेट नहीं करवाई। लेकिन साई पल्लवी इन सभी के बीच डांस पर भी इंटरेस्ट रखती थी, और उनकी इस पैशन के बीच साई पल्लवी के माताजी उन्हें बखूबी साथ दिया, और फिर टीवी और अपनी माँ की मदद से साई पल्लवी एक बेहतरीन डांस के तौर पर सामने आई। फिर अपने लाजवाब डांस से अपने होने वाले स्कूलों कंपटीशन में भाग ली, और उन्हें स्कूल में होने वाले डांस कंपटीशन में भाग लेकर खूब सारी पुरस्कार जीती, और लोगों ने उनकी डांस को खूब पसंद किया और उनकी खूब तारीफ की गई, जिसे सुनकर साई पल्लवी 2008 में विजया टीवी पर आने वाले एक डांस रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट किया। और फिर इसके बाद 2009 में ETV तेलुगु की रियलिटी शो द अल्टीमेट डांस शो में इनको देखा जा चुका है। लेकिन डांस शो करने से पहले 2003 में ही साई पल्लवी कस्तूरीमन नाम के मलयालम मूवी से अपना डेब्यू चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर कर चुकी थी। इसके बाद इन्होंने 2008 की धाम धूम मूवी में नजर आई, लेकिन इस मूवी में भी इन्होंने कुछ खास नहीं कर पाए जिससे लोगों तक अपनी पहचान बना सके। 2014 में जब साई पल्लवी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, तब फिल्म डायरेक्टर अल्फोंस पुथरन ने उन्हें प्रेमन मूवी में रोल निभाने का ऑफर दिया। फिर साई पल्लवी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ली। बाद में साई पल्लवी अपने छुट्टियों के दिनों में मूवी की शूटिंग कंप्लीट कर ली, और वह फिर से अपने पढ़ाई में लग गए। लेकिन 2015 में जब उनकी फिल्म रिलीज हुई तो कमाल कर दी, और लोगों को उनकी फिल्म बहुत अच्छी लगी, और साई पल्लवी के लिए यह मूवी लाइफ टर्निंग का पॉइंट साबित हुई, और इसके लिए साई पल्लवी को फिल्म फेयर अवार्ड और बेस्ट फीमेल डेब्यू से भी नवाजा गया था। और इसके बाद उन्होंने 1 महीने का ब्रेक ली, और फिर से अपनी नेक्स्ट मूवी काली की शूटिंग में लग गई, और उन्होंने इस मूवी में अंजलि नाम की हाउसवाइफ का किरदार निभाई थी। और 2016 में रिलीज हुई इस मूवी को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, और फिर से उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मलयालम के लिए नवाजा गया। और इस तरह से चाइल्ड एक्ट्रेस से शुरुआत करने के बाद साई पल्लवी ने अपने मेडिकल की भी पढ़ाई कंप्लीट कर ली। बहुत सारी मूवी में लाजवाब एक्टिंग से भी लाखों लोगों का दिल जीत ली, और उन्होंने आगे चलकर 2017 में फिदा नाम की एक मूवी से तेलुगु फिल्म में भी अपना डेब्यू कर ली। और यहाँ उन्होंने एक गांव की लड़की की भानुमती का किरदार बखूबी निभाया, और इसके बाद सुपरस्टार धनुष के साथ भी उन्होंने मारी 2 मूवी में काम की, और उनकी 2 मूवी फिदा और मारी 2 दोनों ही सुपर हिट हुई, और मारी 2 मूवी का एक सॉन्ग राउडी बेबी इतना वायरल हुआ कि अब तक यूट्यूब पर उसे करोड़ों बार देखा जा चुका। तो दोस्तों, इस वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया था कि साई पल्लवी को फेयर एंड लवली कंपनी ने साई पल्लवी को 2 करोड़ का ऑफर दिया था अपने क्रीम के प्रमोशन के लिए, लेकिन साई ने यह कहकर मना कर दिया कि लोगों का जैसा भी रंग है वह भगवान का दिया हुआ है और सभी लोग अपनी अपनी जगह पर सुंदर है, जिससे वो इसका प्रचार नहीं करेंगी। और ये ऑफर उन्होंने इसलिए भी ठुकरा दिया क्योंकि वो अपने फैंस के साथ धोखा नहीं करना चाहती थी। इसलिए दोस्तों, इनकी यही सोच सारी एक्ट्रेस से इनको अलग बनाती। तो दोस्तों, यह कहानी थी साई पल्लवी की, जिसने अपने लाइफ में बहुत अचीवमेंट हासिल किए हैं, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा ही करते रहेंगे।